तो फाइनली आज को DCSC की एकदम होम पेज से स्टार्ट हो रही है और काफ़ी खुशनसीबी की बात है, एकदम न्यू बैच, मतलब जो एक दो दिनों पहले एडमिशन हुई है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है और इतने सारे स्टूडेंट हैं, कॉपरेट करो ताकि बहुत कुछ सीखने को मिले। हम लोग कुछ ना कुछ लेने आए हैं, लेके जाएंगे। वैसे ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन एक डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग जो साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में काम करता है। वैसे पढ़ाने के लिए हमारे पास तो बहुत कंटेंट है और पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कंटेंट है, लेकिन डिपेंड करता है हम दोनों एक दूसरे के कितने काम आ सकते हैं। ठीक है, फिर फाइनली अब एक एक करके कंटेंट हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे और हम लोग समझते जाएंगे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे क्या क्या चीज़ें करना है। ठीक है, तो अब DCSC पे आ चुके हैं। अब DCSC क्या है, तो मैं और भी लाइटली बोल देना चाहूँगा DCSC क्या स्टोरी रहा है, DCSC में कौन स्टूडेंट ने क्या क्या किया, क्या अचीवमेंट्स रही है इन लोगों की, ताकि आप लोगों को भी मौका मिल पाए कि सर उनको दिया हमें नहीं दिया, तो खास रीज़न नहीं, रीज़न तो कुछ नहीं था, जानकारी होगा तो शायद मिल भी जाए आप लोगों को। एक एक करके मैं समझाता हूँ। देखो, डेवलपमेंट एंड ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी को DCSC का फुल फॉर्म है, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर धीरे धीरे करके पढ़ते रहना आप। इतने सारे टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, साइबर सिक्योरिटी का हब मान सकते हैं, जो स्टूडेंट लोगों को अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। फ्री पेड दोनों ही लर्निंग प्रोवाइड किया जाएगा सर्वर पे इस जर्नी पे। टूल उल्स के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को हैकर्स पेन ड्राइव मिल चुकी है, जो उनकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे के सारे डेटा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं। सारे सर वो लीजिट स्टूडेंट हैं जो अपने, मतलब इन्होंने सिर्फ DCSC किया ही नहीं है, अपना प्रेजेंस, अपना पावर यहाँ बना करके गए हैं। हमें खुशी है कि आपके बीच में भी कोई ऐसा निकलेगा। और ये हैकर्स पेन ड्राइव जो आपको जो डिटेल है, ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ज्वाइनिंग लाइव क्लासेस है, सब कुछ में प्रोवाइड किया जा रहा है। हार्ड कॉपी सर्टिफिकेशन जो वेस्ट बंगाल इंडिया से आपके घर तक जाती है, फिर से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल इंडिया से आपके घर तक जाती है, लोकेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ पहुँच जाता है, 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन जो भी लगे, खैर उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन इस तरीके का आपको सर्टिफिकेशन होगा DCSC की, जो ऑफिशियली जाता है। ठीक है, इसके अलावा इतनी सारी सॉफ्टवेयर, ये क्या है, बर्ब कोड, ये क्या था, हैक ट्रैक, हाँ सर सॉरी ट्राई हैक मी, देखो मैं ट्राई हैक में खुद स्टडी करता हूँ, आप तो छोड़ ही दो अपने आप को, ट्राई हैक मी मैं खुद स्टडी करता हूँ और आप लोग को भी हो पाए, अगर किस्मत साथ दी आपकी और हमारी तो कर पाएँ, क्योंकि हमें पढ़ाना ही मैटर नहीं करता, आपको पढ़ना ही मैटर करता है, आपको पढ़ना ही सिर्फ मैटर नहीं करता, मुझे सही ढंग से पढ़ाना मैटर करता है, ये दोनों है, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड। नेक्स्ट अगर WP स्कैन, इसे वर्डप्रेस को स्कैन करें, सर बच्चा है सर सब सब सीखा हुआ है, नहीं नहीं आप जो सीखे हो ना वो अपने पास रखो, यहाँ जो सिखाई जाएगी यूनिक होगा, ऐसा यूनिक होगा कि कुछ समय पहले ही मैंने कुछ हुआ था मेरे साथ, तो उसको मैंने WP स्कैन कुछ और डीप में कुछ कुछ चीज़ें सीखा था, बताऊँगा एक्नोटिक्स ये सब वेगा वेगा सीखा जाएगा। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना, हमारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जानने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स लोगों का, ये वो लीजेंड्स स्टूडेंट, लीजेंड नहीं अल्ट्रा लीजेंड्स स्टूडेंट है, जिन्होंने अपना छाप छोड़ के गए हैं, जब तक ड्रॉप है तब तक हमारे ये सबका अलग अलग स्टोरी है, ये महाराष्ट्र से हैं, ये बिहार से हैं, ये राजस्थान या कहीं से हैं, तो ये बेंगलोर से हैं, तो अलग अलग स्टोरी है सबका, अलग अलग एजुकेशन, अलग अलग स्टोरी, ये मेडिकल टॉपर रह चुके हैं वो सब कुछ का, इनके पापा पुलिस में हैं, तो अलग अलग स्टोरी है अलग अलग लोगों का, इसलिए बोलना चाहूँगा आप लोग भी अपना प्रेजेंस बनाओ, अपना अपने आप को निखारो और इस पेज में आप लोग भी अपनी एंट्री करवाओ। ठीक है, ताकि हम लोग भी खुशी से बोल पाए कि भाई हाँ आप लोग कुछ करके गए हो, कोर्स को छोड़ करके भी, कोर्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ करके गए, अगर हाल आप अपनी सिलेबस पे वापस आते, लेकिन प्लीज़ इस तरीके से मत किया करो, ये 22, 10, 20, 30 में ऐसा मत क्लास आया, जल्दी आया करिए। ठीक है, सो इट्स फाइनली अपनी क्लासेस पे जर्नी आ गए थे, एकदम न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट हो रही है, जितने भी लोग हैं जो थोड़े से पुराने, जैसे 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना हो गया एडमिशन का, उनकी बैचेस आज को नहीं बल्कि कल को है, मतलब आज भी क्लासेस है साथ ही साथ कल भी है, आप लोगों को टाइमिंग चेंज हो जाए, टाइमिंग न्यू बैच मिल जाएगी, लेकिन अभी जो पढ़ाई जाए उसको फोकस लेके चलनी है आप लोगों को। हम लोग का टाइमिंग चेंज हो जाएगा भैया? हाँ बिल्कुल, वो बता दिया जाएगा किसका टाइमिंग, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल पाऊँगा, डेटाबेस से ही चेक होकर के बताया जाएगा आप लोगों को, टाइम मिल जाएगा, टाइम शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, सो इट्स फाइनली पता कैसे चलेगा कौन न्यू आप लोग को, आप लोगों को व्हाट्सएप पे ही मैसेज चला जाएगा, आप लोगों के व्हाट्सएप पर ही मैसेज चली जाएगी, पर्सनल मैसेज आएगा ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, सो इट्स फाइनली अपनी जर्नी पे आते हैं वापस। DCSC यानी कि ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स, हिंदी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की कोर्सेज हैं, ड्रॉप एक ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से, हम आपको और आप हमें एक दूसरे के ग्रोथ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आई होप हम लोग इस जर्नी में सक्सेसफुल होंगे, 4 महीने तक की जर्नी चलेगी। वेलकम टू DCSC एडवांस, आप एडवांस की कोर्सेज कर रहे हो। ठीक है, 4 मंथ की लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा,
सॉफ्ट कॉपी सॉफ्टवेयर सारे हम देंगे, हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट सब हम होगा, फ्रीलांस या जॉब अपॉर्चुनिटी एलिजिबिलिटी होने पे। समझ में आ रही मेरी बात? स्टार्ट टू डीसीएससी क्या है भाई, इतने बड़े सिलेबस में इतना बड़ा लंबा चौड़ा में आओ जानते हैं। इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, फंडामेंटल ऑफ एथिकल हैकिंग, इंफोसिक के बारे में समझेंगे यानी कि साइबर सिक्योरिटी स्टार्टिंग कैसा होता है, नेटवर्किंग समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे नेटवर्किंग का, ओएसआई मॉडल, सीआईए मॉडल, नेटवर्क टोपोलॉजी जैसी चीज़ों को समझेंगे, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब को लाइव प्रैक्टिकल विजिट करके देखेंगे, वेब फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटीज़ के बारे में समझेंगे जानेंगे, क्योंकि यार नेटवर्क ही तो हैक करना है। याद रखना मैं एक फिर डायलॉग बोल रहा हूँ जो यूट्यूब पर देखते, कॉन्ग्रेचुलेसन बहुत कुछ समझ रहे होंगे, आप किसी भी चीज़ को तभी हैक कर सकते हो जब उसकी संपूर्ण रूप से जानकारी आपके पास हो। अगर आप जितनी बार मेरे पर क्लास लोगे एक ही चीज़ बोलूँगा आप, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये आज हाँ से मतलब एकदम आप लोग का बैचेस चेंज हो जाएगी तो आप लोग का जैसे चल रहा था वैसे चलेगा कल तो ये तो मैं लीव कर हाँ बिल्कुल 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 आप लोग की बैचेस ये नहीं है तो आप लोग लीव करो, जिसको लीव कर सकते आपकी बैचेस कल को है, ठीक है? आप प्लीज़ थोड़ा सा फोकस। हाँ पता कैसे चलेगा, जैसे अभी मैं टाइमिंग दे दिया जाएगा आप लोगों को, टाइमिंग मिल जाएगा, टाइमिंग मिल जाएगा किसकी क्या बैचेस है आज रखो, अभी कैसे पता चलेगा मैं ये बैच पाऊंगी? पढ़ लीजिए, ऐसा बात तो नहीं है कि आप लोग को अलाउ नहीं किया जा रहा कि भगाया जा रहा है कि नहीं भाई तुम जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं, पढ़ लीजिए। क्लास समझ में आ रही है? अगर आपको ये सब चीज़ सुना हुआ है पढ़ा हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं एकदम न्यू हो फ्रेश हो ये देखा ही नहीं इसके मुंह नहीं देखने को मिला तो आप रहिए, ठीक है? अब प्लीज़ मुझे थोड़ा फोकस करने दीजिए। वेब फंडामेंटल के बारे में बताया जाएगा, वेब फंडामेंटल बहुत डीप में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा क्योंकि भाई यही है जो आपका चार चांद लगाएगा। वेब फंडामेंटल का मतलब कि वेबसाइट कैसे बनेगा, कैसे तैयार होता है, कैसे वो वर्क करता है, जब इतना समझ में आ गया तो समझ लो उसको हैक करने का भी रास्ता आपको दे दिया जाएगा। किसके ओर से? हमारे ओर से, मैं ही आपको बता दूंगा कैसे वेबसाइट को हैक कर देते। बोलते हैं ना सर लो स्कैन कर ले उसके आगे कुछ नहीं कर पा रहे भाई, अगर उसके आगे बच्चे बच्चे स्कैन कर लेते हैं आपको क्या लगा वो हैकर माइनस टी माइनस पी लगा करके स्कैन कर लिया आप हैकर बन गए? गलत सोच है आपकी, आपको तो सही सोच पे लाना पड़ेगा। चलो 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 अभी बहुत काम है, देर देर करके सब कुछ बताएंगे आपको। तो बहरहाल उसके बाद आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, सरफेस वेब डीप वर्क हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, फंडामेंटल ऑफ लिनक्स, लिनक्स के बारे में बताया जाएगा, लिनक्स कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे स्क्रिप्ट हो, सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद गिट, उसके बाद आएगा फूड प्रिंटिंग एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि फूड प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे किया जाता है, कोई भी वेबसाइट में आप किसी भी फूड प्रिंटिंग को कैसे करोगे, इन्फॉर्मेशन को कैसे गैदर करोगे, ये सब चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ से अभी की साइबर सिक्योरिटी की फर्स्ट जर्नी स्टार्ट होगी, ये फर्स्ट जर्नी होगा, आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आप लोगों का, नेक्स्ट में आएगा आपको स्कैनिंग, यानी कि स्कैन होगा, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे स्कैनिंग को आपको समझाया जाए कि कोई वेबसाइट को स्कैन कैसे किया जाता है। स्कैन करना ही हैकिंग नहीं होता, स्कैन तो बस पहला पड़ाव है, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ, फिर कुछ ना कुछ, फिर कुछ ना कुछ, फिर लंबा सफ़र चलता है आप लोगों का स्कैनिंग में और ये सब कुछ में। समझ में आई मेरी बात? छोड़ो नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आएगा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, स्कैनिंग होगी, फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आएगा या वल्नरेबिलिटी एनालाइजिंग आएगा। इसका क्या मतलब होता है? वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करिए, बोलते हैं ना बॉबसूट सर डब्ल्यू पी स्कैन के लिए आप क्या करो, आप बस बैठे रहो, क्योंकि उसके नेक्स्ट स्टेप में वेब एप्लीकेशन पेंटेशन टेस्टिंग आएगी तब समझ में आएगी, अन्यथा आप इतना आसानी से अगर वेबसाइट हैक कर लेते ना तो दुनिया में वेबसाइट बचता ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? तो टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। आपने जो केक की वेबसाइट में देखा, जो मैंने बग बाउंटे किया, कपड़ों की वेबसाइट में देखा, एक्सेस कितने वेबसाइट में मैंने एक्सेस फाइंड आउट किया है, एसक्यूएल साइन फाइंड आउट किया है, क्या लगता है क्लिक मार हैक हो गया? वो बॉबसूट टेक्नोटिक्स का होगा, वो तो आप भी कर रहे हो, कभी नहीं मिलने वाला, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ये समय के साथ समझ में आएगी। बहरहाल वेब एप्लीकेशन प्रिंटर्स एंड टेस्टिंग के बारे में बताते हैं आपको, अवेलेबिलिटी हैक असेसमेंट के बाद, एनालाइजिंग के बाद आपको वेब हैकिंग के बारे में बताया जाएगा कि वेबसाइट को कैसे हैक किया था, अटैक किया था, सभी कुछ बताया जाएगा। उसका सिस्टम हैकिंग को, सिस्टम को कैसे हैक किया था, अटैक किया जाता है, सिस्टम एक सिस्टम किस किस टाइप से कॉम्प्रोमाइज़ की जाए, याद रखना एक टॉपिक का 2, 5, 10, 20, 50 टॉपिक है, याद रखना इस चीज़ को। अगर सिस्टम हैकिंग बोलते तो सिस्टम हैकिंग में 10 टॉपिक, 15 टॉपिक, 20 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद इंड्रॉइड हैकिंग, हाँ बिल्कुल इसी पे तो वेट करते हैं सर, हाँ बिल्कुल वेट करते हो, प्रैक्टिकल भी की जाएगी, लाइव प्रैक्टिकल बताई जाएगी, सॉफ्टवेयर पे सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल बताया जाएगा एंड्रॉइड को सिस्टम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया था, कैसे हैक किया था, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। और सिस्टम हैकिंग को बता दिया गया, सिस्टम किस तरह हैक किया था, कॉम्प्रोमाइज़ किया था, अच्छा एंड्रॉइड ड्राइव हैकिंग यानी डिवाइस हैकिंग, एंड्रॉइड को हैक करना बताया। अब यहाँ पे क्या, एंड्रॉइड हैकिंग टर्मिनल कोर्स, अब ये क्या होता है भाई? टर्मिनल कोर्स का मतलब, एंड्रॉइड हैकिंग टर्मिनल कोर्स का कैसे मतलब समझाएं, कुछ इस प्रकार समझ लो कि एंड्रॉइड
तो टर्मिनल होता है ना, उसके जरिए हम लोग क्या क्या हैक करेंगे, कैसे हैक करेंगे, वो सब चीज़ आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी। तो अभी लंबा सफ़र चलेगा, वेट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हैकिंग वायरलेस नेटवर्क, अभी बोलो ये क्या होता है। वायरलेस नेटवर्क का मतलब हो गया जैसे वाईफाई हो गया, वाईफाई कैसे हैक किया जाए, अटैक किया जाए। अब कुछ लोग ना एकदम दिल में ना तो लड्डू फूट रहे हो कि सच में ये सब तो यार इंटरनेट पे देखा था, सच में कर पाएंगे हम लोग, मतलब क्लिक करके वाईफाई हैक कर लेंगे, मतलब पड़ोसी का वाईफाई लगाओ सर मैं यहाँ पे इंटरनेट चला नहीं पाता, मैं चला लेंगे। हाँ बिल्कुल चला लोगे, बट टू बी ऑनेस्ट, अब सच में पड़ोसी का इंटरनेट चलाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो आप बोल रहे हो सर, सर भगवान जैसे अगर मुझे एक सोना का, अगर एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ कि आपको बड़ी फैक्ट्री मिल जाए, तो फैक्ट्री में आप मजदूर बनोगे या मालिक बनोगे, सीधी बात है। अब बोलो सर मैं फैक्ट्री, सर बहुत बड़ी फैक्ट्री रहती है ना सर, तो मैं मजदूरी करके वहाँ पे पैसे कमा लेता, ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, जब मालिक बनने का ऑप्शन मिल रहा। तो जब वे पे इंटरेस्टिंग करो इतना पैसा आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। सो इट्स फाइनली इन्फॉर्मेशन, फिर इमेज फॉरेंसिक के बारे में बताया जाएगा, POC यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड पीस ऑफ कोड के बारे में बताया जाएगा, पीस ऑफ कोड POC क्या होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब समझाया जाएगा, बताया जाएगा। नेक्स्ट बारे वेब एप्लीकेशन पेंटेशन टेस्टिंग, पता नहीं क्या होता है, अच्छा मैं समझाता हूँ आपको, इसी का इस्तेमाल करके आप किसी वेबसाइट को हैक करोगे, अच्छा अटैक करोगे, अच्छा नहीं नहीं हर कुछ करोगे, जो भी आपका विजन है। सर एक बात बताओ, डेटाबेस निकल जाएगा सर? हाँ निकल जाएगा सर। वो जो केक की वेबसाइट भी कहते, कोई और वेबसाइट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कब होगा सर? जब सीखोगे। कब सीखेंगे सर? जब आपको उस लेवल पे लेके चला जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वेब एप्लीकेशन फेंटेशन टेस्टिंग में क्या होगा, SSRA बताया जाएगा, CSRA बताया जाएगा, बिजनेस लॉजिक वाला भी बताया जाएगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बताया जाएगा, IDOR क्या होता है सर, IDOR यानी कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, FPD बताया जाएगा यानी कि फुल पास्ट डिस्क्लोजर, लोकल फाइल इंक्लूजन बताया जाएगा, FPD एक्सप्लोटेशन रिवर्स, क्या क्या बोल रहे हैं सर, चलो चिंता मत करो, समय आने पे समझ में आएगी, लंबा सफ़र है, बहुत दूर तक जाना है आपको, हड़बड़ाओ मत। ऑपरेटिंग OS इंजेक्शन, देखो 4 महीने आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हमको पढ़ाना ही पड़ेगा, तो कृपया कर पेशेंस रखना सर, ये बता दो वो बता दो करके बस मेरा दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता। अब बोलो सर एंड्रॉइड हैकिंग सिखा दो, चलो सिखा देते, IP के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमको दे दो, नहीं बता पाओगे। प्रोटोकॉल के बारे में क्या होता है, नहीं बता पाओगे। तो इसमें फंसने से अच्छा है कि अभी भाई दोनों को दोनों सब कुछ लेके चलना, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद OS कमांड इंजेक्शन क्या होता है बताया जाएगा, बोटनेट सिस्टम हैकिंग के बारे में बहुत एडवांस लेवल की बोटनेट को समझाई जाती है, बताई जाती है। आपका ये जो होता है ना, क्या कहते हैं, अरे भूल रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, अरे बॉस, हाँ, कौन सी वायरस थी ना, रैंसमवेयर वायरस का, जो भी रैंसमवेयर इतने सारे सिस्टम्स को हैक किया ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न आपका बोटनेट ही था। तो इसको लाइव प्रैक्टिकल बताया जाएगा। बोलो सर क्या इलीगल कंटेंट डाल दिया आपने, कुछ एथिकल समझाओ, एथिकल कोर्स है, सुनो मेरी बात, इस दुनिया में एथिकल और नॉन एथिकल कुछ नहीं है। अब आग मान लीजिए, एग्जाम्पल तौर पर समझो कि मान लीजिए कि चाकू है, ठीक है, चाकू खाना बनाने के लिए, सब्जी काटने के लिए, अब उसको लेकर किसी के पीछे दौड़ जाओ तो भाई उसमें पुलिस क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, समझ में आ रही है। तो इसी को समझ करके चलना पड़ेगा, हमारा मेन काम है आपको गाइड करना। बोलो सर ये तो इलीगल एक्टिविटीज हो सकता है, नहीं इसको सिखाया इसलिए आ रहा है ताकि आपने सिक्योरिटी सब बोले ना, अभी एक चीज़ बोला कि आप किसी चीज़ को तभी सिक्योर या हैक कर सकते हो जब आप उसके बारे में संपूर्ण से जानकारी हो। अगर बोटनेट के बारे में नहीं पता तो आप एक ऐसे एथिकल हैकर जो बोटनेट के बारे में नहीं पता और आप बोटनेट से नहीं बचा सकते, यानी कि आपको रिजेक्ट करना ज़्यादा अच्छा हो कंपनी के लिए, क्योंकि आप किसी काम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखो मेरी बातें मीठी है कड़वी है मुझे नहीं पता, इंटरव्यूअर ऐसा ही आपको बोलेगा कि आप किसी काम के नहीं, क्योंकि आपको वेब सिक्योरिटी नहीं आता, आप कृपया करके जाकर क्या फेसबुक हैक करिए, अगर हो जाए तो वापस मेरे पास आइएगा, समझ में आ रही, उनकी भी एक्सेप्ट होगी ना तो उनका काम आ जाएगा, लेकिन आप किसी काम के लिए प्लीज़। साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा जर्नी है, जो बताया ना कंटेंट दम निकल जाएगी आपको पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और इसको ट्रस्ट ना हो तो अभी पूछ लो, 2 महीने से यहाँ बैठे हुए उनको अभी पूछो ना सवाल, तो वो सवाल नहीं बोल पाएंगे जो उनको डिसीजन बताया गया। रीज़न क्या है कि सब प्रेशराइज्ड वाली चीज़ है, मुझे पढ़ने में इतना टाइम लग गया, आपको 4 महीने पढ़ाओ भी 48 घंटे में 1 घंटा आपको मैं क्लास लेता हूँ, तो इस चीज़ को समझ करके चलनी है। बहरहाल नेक्स्ट बढ़ता हूँ, एनोनोमस कैसे बने, VPN क्या होती है यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सर बता दो क्या होती है, लोकेशन चेंज करने के लिए होती है कि अपने आपको आइडेंटिफिकेशन को बचा पाओ, इतना में हो जाएगा नहीं, इतना में नहीं होगा। एनोनोमस के बारे में बताया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन कैसे बचाई जाए उसे बताई जाएगी, वेब RTC हुआ, रियल टाइम कम्युनिकेशन हुआ, ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग जैसी चीज़ें हुई, फिर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है सिस्टम्स को। अरे बाबा बहुत कॉन्टेंट है, लंबा सफर है, ऐसे थोड़ी 4 महीना ले रहे हैं। उसका लोकेशन ट्रैकिंग सर पक्का बोलो, नंबर देने पे लोकेशन ट्रैकिंग हो जाएगा। अरे भाई अगर ऐसा होगा तो मैं आपको क्यों सिखाऊंगा, मैं पुलिस गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब एक एक बार मैं 60,000 रुपये नहीं ले लूँगा, लॉजिक समझ कर देखो। अभी आप पूछो, अच्छा सर मैं नंबर दे करके पर लोकेशन ट्रैक कर लूँगा, इसका सवाल का जवाब देता हूँ मैं। अगर ऐसा सच में प्लीज़ स्क्रीन जैसा है ना वीडियो की मत किया करिए, आपको तो प्राइवेसी शेयर होगी ना, ऐसा गलत बात है। कई लोग पूछे सर नंबर मैं दे दूँगा तो सर आप ट्रैक कर लोगे, इसका आंसर देता हूँ मैं।
अगर ऐसा हम मैं कर पाता तो मैं तो यार भारत सरकार का बोलता, भाई देखो पूरा देश में 14 लाख पुलिस, एक काम करो 10 लाख को रिटायर कर दो, मुझे रख लो 1 करोड़ रुपये सैलरी पे महीने का, मैं आपको लोकेशन ट्रैक कर कर बता दूंगा वहाँ पे उग्रवादी यहाँ पे टेररिस्ट आई है, बस कर लेना। तो पुलिस तो पूरा शहर में घूमती क्यों रहती है, अब उससे बड़ा तो नेटवर्क नहीं होगा मेरा, ये तो समझ लो आप। तो इसलिए से फालतू के सवाल के से उठ करके जब आप कुछ नया पे जाओगे तभी यहाँ पे आप अपना नाम और पैसा और शोहरत कमा पाओगे, समझ में आ रही मेरी बात। तो बोलो लोकेशन ट्रैकिंग तो सीखेंगे कैसे, इसमें हम लोग सामने वाले को कैसे ट्रैक किया जाए, कैसे उसमें फाइल भेज करके, लिंक भेज करके, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप सोच रहे वो नहीं है, जो हम बता रहे हैं वो आप सोच नहीं पाओगे, समझ में आ रही है। तो लंबा सफ़र है, अभी जाना बहुत दूर है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, सर बड़ा बोरिंग है, बोरिंग नहीं है बहुत, जो बता रहा हूँ थोड़ा फोकस लेके चलो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक एक पेज में आपको एक एक कॉन्टेंट मिलेगा। तो लिनक्स देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल, इसमें इतना कॉन्टेंट भर दिया मैंने, भरा नहीं है, मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूँ, साइबर सिक्योरिटी में इतना कॉन्टेंट है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो इसमें पैसे से खरीदा जाता नहीं, पैसे से नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, विंडोज़ के लिए पैसे लगता है, आपने हमें मैंने आपने नहीं दिया, लेकिन विंडोज़ के लिए पैसे लगते हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस करना पड़ता है, लिनक्स को फ्री में मिल जाती है। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूबंटू से आया है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आया हुआ है, फ्री में लिनक्स बेस्ड कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मस्त कंटाप चलता है, 1997 पे आया, वो बहुत थोड़ा ढिमका ना, दुनिया भर की चीज़ लिखी है, इतना समझ लो। हैकर इसलिए यूज़ करते क्योंकि एक ओपन सोर्स है, वो कस्टम कर सकते हैं, हैकर इसलिए यूज़ करते क्योंकि इसके अंदर ये स्पेशली डेवलपर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, इसमें डबल क्लिक करते हैं मस्त रन नहीं कर जाता आपका फाइल, इसमें टाइम लगता है, थोड़ा प्रोसेस लगता है, इसलिए हैकर्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा कालिनिक्स इस्तेमाल होती है, नहीं गलत बात है, कालिनिक्स को एडवर्टाइजमेंट किया गया बहुत बड़े लेवल पर, इसलिए कालिनिक्स को बोला जाता है। ये है, अब कोई भी अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, फिर रेट्स में पर्सनल रिकमेंडेड बैकबॉक्स या फिर पैराडो यूज़ करना। कालिक्स यूज़ कर रहे हो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हो, उसके एरर मुझे नहीं आता, आप घूम घूम कर इंटरनेट पे परेशान हो जाओगे पूरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ हैकर, सर हैकर कितने प्रकार के होते हैं, हम जानकर क्या करेंगे ना, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो भाई, क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, नहीं सर वो तो नहीं पता, बस होता है गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर लोगों को टाइप पढ़ने लगा, भाई जिंदगी में पढ़ते रहोगे आपका गोली नहीं सेट है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तू भी ऑनेस्ट है, बोले सर मुझे तो एथिकल हैकर बनना, अच्छा वो होता क्या है मुझे वो बताओ पहले, क्या पोस्ट होता है, आदमी होता है, कंपनी होता है, समाज होता है, सेवक होता है, क्या होता है, मतलब समझ नहीं आ रही, एथिकल हैकर क्या होता है, एथिकल हैकर में जो अच्छे काम करता है, मतलब आपके पापा ने आपसे पूछा बेटा क्या करना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना, नहीं अच्छा आदमी बनना है पापा, अब अच्छा आदमी क्या होता है, लॉजिक समझ रहे हो मेरी बात, पावरफुल आदमी बनना, पावरफुल आदमी क्या होता है, हिसाब समझ रहे हो मेरी बात, एथिकल बोलकर कुछ नहीं है, वेब पेन टेस्टर होता है, सिस्टम पेन टेस्टर होता है, नेटवर्क पेन टेस्टर होता है, उसके साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, आईटी इंजीनियर होता है, आईटी एक्सपर्ट होता है, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स है जो को समझना पड़ेगा। इसके बाद है बहुत सारा, खैर इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल। अब टाइप्स ऑफ हैकर, हैकर कितने प्रकार के होते हैं, वैसे पढ़ाना शुरू करूँगा तो इसमें मेरे 2-3 क्लास मिल जाएगी, एक मिनट रुकिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो चलो बताता हूँ। टाइप्स ऑफ हैकर में अब देखो अलग अलग कलर खड़े चेंज करते रहो, अरे ये क्या क्लास दोबारा स्टार्ट हो गई है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की क्लासेस आज को नहीं कल को है, कल को है, ठीक है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो लेकिन आपकी क्लासेस कल को है। चलो बताता हूँ, अलग अलग रंग अलग अलग ढंग, ठीक है, ये हैकिंग का मूल मंत्र। देखो व्हाइट अटैकर, ब्लैक अटैकर, ग्रीन अटैकर, रेड अटैकर, पीला अटैकर, काला अटैकर, सुंदर अटैकर, क्रूप अटैकर, सभी कुछ है, इतना नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी हम क्लियर करते हैं। ब्लैक हैकर मतलब बुरे काम करने वाले, ब्लैक मनी होता है ना, जैसे ब्लैक हैकर जो बुरे काम करते हैं, वाइट हैकर जो अच्छे काम करते हैं। अब इस प्रकार समझ लो कि अगर मैं पुलिस गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं अच्छा पर्सन हुआ, अगर मैं आपको अनएथिकल लीगली मतलब इलीगली आपको हैक करना चाहता हूँ, अटैक करना चाहता हूँ, नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, तो आप अपना देख लो ये इलीगल हुआ संपूर्ण रूप से, तो समझ में आ रही है। और नेक्स्ट होता है ग्रे हैकर क्या होता है, लोचा वाला बात है फिर भी हेल्प करता हूँ। ग्रे हैकर का मतलब होता है कि आप एथिकल भी काम कर रहे हैं, नॉन एथिकल भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल द्वारा बता रहा हूँ कि आपकी आपने आपके किसी प्रिय ने, ठीक है अब एक्सप्लेनेशन सही समझ में आएगा, आपका दिल तोड़ दिया, फिर मेरा दिल तोड़ने वाले रूप बताते तेरे को, ये आपने फेसबुक हैक करने की जो सोच रखा ना, होगा नहीं चिंता मत करो, लेकिन जो सोच आया ना यही सोच था आपका ब्लैक हैकर, ठीक है, आपने बोला चलो छोड़ो जाने दो जो है तो है, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ, मुझे तो भाई इंटरनेट पर साइबर सिक्योरिटी को ऐसा पावर ऐसा बोलते हैं ऐसा फ्यूचर लेके चलना है, एथिकल सोच है, यही लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक होता है क्या करे रुको हैक करके सिर्फ देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे बस हैक कर देखेंगे, ठीक है, लेकिन वो कभी स्किल का अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे, कभी बुरा इस्तेमाल भी कर रहे। देखो समझो आप कुछ अच्छा कर रहे हो लेकिन किसी के लिए हो सकता है वो बुरा हो, किसी के लिए हो सकता है कोई बुरा है तो
आपको अच्छा है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको लेकर चलना है अपने रियल लाइफ में। सो अब इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, ग्रेट अटैकर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। मान लीजिए मेरा बुरा कर रहे हो तो मेरे लिए बुरा होगा, लेकिन किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है। खैर इसको हम बाद में डिसीजन लेंगे। तो समझ में आ गए टाइप्स ऑफ हैकर, हैकर कितने प्रकार के होते हैं? बॉस हैकर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वाइट अटैकर जो अच्छे काम करते हैं, ब्लैक अटैकर जो बुरे काम करते हैं, ग्रे अटैकर जो बोथ साइड करते हैं, अच्छे भी करते हैं समय आने पे, समय आने पे बुरे भी करते हैं। अधिकांश आप हैकिंग मूवी पे देखा हो जो पुलिस लोग के लिए काम करते हैं ना, वो कभी अच्छा करते हैं कभी बुरा करते हैं, कभी पुलिस लोग के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सब अपनी अपनी जर्नी है। खैर इसको हम लोग बाद में हम लोग और ज़्यादा इस पर कल्चर करेंगे, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग, बॉस नेटवर्किंग क्या होता है, नेट को किस प्रकार काम किया जा रहा है उसको समझेंगे, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे, नेट काम कैसे कर रहा है, उसको किस किस सेगमेंट पे यूज़ किया जाता है, और डीप में लेके जाते हैं, मज़ा आएगा। हम नेटवर्किंग क्या सीखने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा, चलो वही बताते हैं। नेटवर्किंग में IP, MAC, FTP, UDP, वन सेकेंड, TCP, HTTP, SMTP, अरे बाबा कंटेंट कितना सारा है। हाँ बिल्कुल, कंटेंट बहुत सारा, पढ़ना भी बहुत सारा पड़ेगा, मज़ा आना चाहिए। देखो समझो मेरी बात, अगर आप साइबर सिक्योरिटी को फील नहीं कर पा रहे हो, समझो मेरी बात, मान लो आपका कोई दोस्त है, यार है, बिल्ली है, कुत्ता है, पार्टनर है, आप उसका हाथ पकड़े हो, आपको गोदी में रखे हुए हैं, कोई बिल्ली सा है, तो उसको फील कर पा रहे हो, वैसे आप मोबाइल सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, जिस गाना सुन रहे हो आज टप टप पास हो रहा है, क्यों हो रहा है, फील कर पा रहे हो पास्ट को, फ्यूचर को, प्रेजेंट को। तो लिटरली आप किसी भी चीज़ को अगर फील नहीं कर सकते ना, आप उसको नहीं सीख सकते। आप टेम्परेरी टाइम के लिए हो, परमानेंट तो नहीं हो सकते, बात समझना मेरी। ये चीज़ होता है रियल लाइफ, आप सच बता रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे कोर्स कर रहे हो, मैं क्या आपको अच्छा और ख़राब बोलूँ, फिर भी बोलना चाहूँगा साइबर सिक्योरिटी को एक करना। सर पता है सर हैकिंग, बहुत लोग क्या करते हैं DP चेंज कर लिए, हैकर वाला लगा लिए तो हैकर बन गए। हैकर बड़े बड़े हैकर क्या करते हैं, DP चेंज करके हैकर बनते हैं, वो घूंघट ओढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग टोपी पहनते हैं, वो टोपी पहनकर घूमते रहते हैं, वो हैकर बन गए। और हैकर का क्या सिद्धांत, वो स्टेटस में अलग, तुम जो हो सो हो, मैं जो, अरे भाई ये बस ओवर रिएक्शन है और कुछ नहीं। ये आप अपने आप को हीरो समझ कर छत से ऊपर से जंप पा रहे हो, भाई रियल में हाथ पे टूट जाएगा, वहाँ पे मूवी में देखो 4-5 लोग को ऐसे निपटा दिया। रियलिटी में ना एक लड़का हाथ देगा बस, दूसरा में एक गिरा तो उठ नहीं रहा, समझ मारी है? तो भाड़े के लोग होते हैं, डायरेक्टर उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो इस चीज़ को लेकर चलना। नेक्स्ट बढ़ते हैं एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का मतलब होता है वो काम जो एथिकल हो, जो प्रो ऑर्गेनाइजेशन पुलिस गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम करते हो, कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए काम करते हो, वे पेन टेस्टिंग के लिए काम करते हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे कमियाँ ढूंढना, उस पर फाइंड आउट करना, लूप होल्स बताना कि भाई इसमें ये मैं बनूंगा तुम्हारा डॉक्टर, मैं रहूँगा तुम्हारे लिए स्पाइडरमैन, तुम बस ऐसे करके करो, तुम्हारी सिक्योरिटी इन्हेंसिंग हो जाएगी। अगर आप इस लायक हो, टू बी ऑनेस्ट, दिस वन इज साइबर सिक्योरिटी जो आपके लिए है, वरना कोई दिक्कत नहीं। एक समय आएगा जब फेसबुक हैकिंग हम लोग सीखेंगे, वो 4 महीने के बाद होगा, जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको फेसबुक हैकिंग लाइव सिखाएंगे, ठीक है? आएगा वो दिन, इसमें भी कुछ लोग ऐसे जो इस तरह के लोग निकलेंगे, और वो भी साइबर सिक्योरिटी का हिस्सा ही है, मतलब वो बताते हैं कि भाई साइबर सिक्योरिटी कोई काम करें, वही तो गाली देके जाते हैं असल में, लेकिन रियल लाइफ कुछ और होता है। जो वेब पेन टेस्टिंग के पीछे जिसका सवाल बोरिंग होगा, बताइए क्या फालतू का सवाल पूछते हैं, SSRF क्या होता है सर, CSRF क्या होता है सर, एक बात बताओ ना सर, अमेजोन पे ना लाइव प्रैक्टिकल वर्कआउट कर लेंगे, फालतू सवाल है। सर एक बात बताओ, कोई भी कॉमर्स वेबसाइट पे क्या हम वेब पेन टेस्टिंग कर सकते हैं? खतरनाक सवाल है। यही लोग बाकी वो लोग को रेगुलेट कर रहे होते हैं जो फेसबुक हैकिंग, गर्लफ्रेंड आईडी हैकिंग, बॉयफ्रेंड हैकिंग, अनलोड हैकिंग सीख रहे होते हैं। आ रही समझ में यार बात मेरी? लेके चलना है, नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ मैं। उसके बाद आएगा व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। अब ये एथिकल हैकिंग होता क्या है? ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कमियां, में सिस्टम्स में लूप होल्स ढूंढते, फाइंडिंग करते हैं, उसको कंपनी को रिपोर्ट करना, या फिर उसका मिसयूज़ या फिर यूज़ करना। अब उसको सही एथिकल नॉन एथिकल हो, लेकिन यूज़ करना, लेकिन एथिकली यूज़ अच्छे ही काम के लिए करना पड़ेगा, ना फिर एथिकल कहाँ होगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये बग बाउंटी क्या होता है? अरे बाबा ये तो अधिकांश बार सुना है मैंने, बग बाउंटी क्या सुना, बहुत पैसे मिलते हैं इससे। चलो बताता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ, थोड़ा आपको हेल्प करता हूँ, क्या पता आपका भाग चमक गया। बग बाउंटी का इस्तेमाल करके कोई भी वेबसाइट पे आप कमी ढूंढ सकते हो। जैसे इस प्रकार समझो कि मान लीजिए मैं आपको बोलूँ, अरे 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 कर कर रहे हो आजकल, वेबसाइट तो आपका ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं देता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कैसे क्या। जैसे सर पता है आपको, आपको यूट्यूब में ना सर बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो थंबनेल है ना सर अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ क्या करूँ सर, चिंता मत करो मैं थंबनेल बना देता हूँ, आप मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जॉब दे दो। अच्छा अच्छा ले लो, समझ में आई मेरी बात? क्या किया आपने, कमी ढूंढा मैंने उसका व्यापार, आपने कमी ढूंढा आपने उसका व्यापार किया। थर्सडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे मतलब ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ये सेगमेंट होता है, ये तरीका होता है, यही दिस वन इज रियलिटी बग बाउंटी वेब पेन टेस्टिंग सिस्टम। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने को मिले, जानने को मिलेगा। कोई भी बड़े सिस्टम जैसे मैंने केक की वेबसाइट पर किया था ना, मैंने बग बाउंटी से बहुत अच्छे पैसे कमाए, मतलब अच्छे खासे पैसे कमाए मैंने, ठीक है? तो अब उससे ज़्यादा पैसा मैं अभी कमाता हूँ अपनी कंपनी से, क्योंकि एज अ CEO आप समझ रहे हो। तो इस चीज़ को लेकर, वैसे मेरे पास कभी विज़न पैसा था ही नहीं, मेरा विज़न था तो बस एक ही चीज़, मेरा विज़न क्या था,
भूल गया, नहीं, याद है मुझे, मेरा विज़न था कि मैं साइबर सिक्योरिटी का रियल लाइफ दिखा पाऊँ, गर्लफ्रेंड आइडिया कि गर्लफ्रेंड एक से रियल लाइफ उठा पाऊँ। अब विज़न मेरा साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग है। खैर समय आने पे अपना रन पे भी आएंगे। ब्लैक अटैकिंग क्या होता है बताया थी तो सर, कितना बार बोलोगे, नहीं थोड़ा डीप में बताएंगे ना। ब्लैक अटैकिंग वो होता है जो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे अपने प्रॉफिट के लिए काम करते। तो खुराफाती दिमाग आया था ना, केक की वेबसाइट पे कर लिए सर, का सर एक एंड्रॉयड फ़ोन का मोबाइल कोई भी वेबसाइट पे मिल जाए सर, वो जो एंड्रॉयड फ़ोन ना सर वो तो ले लेंगे। ये क्या है, ये अनएथिकल है, नॉन एथिकल, बग बाउंड्री। आप लोग कर भी लोगे ना फिर भी जेल चले जाओगे। वैसे इस बात पे बाद में डिस्कशन करेंगे क्यों जेल चले जाओगे, बस इतना समझ लो कि अगर आप बच्चे हो और अभी आप अगर कर ले रहे हो तो भाई वो तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। बस यूँ समझ लो कि भाई मैं किसी का मर्डर करके भी तो मैं अमीर बन सकता हूँ, उसका पैसा लूट लूँगा, लेकिन क्या आप करोगे, नहीं करोगे, इसका अंजाम आपको पता है, आप बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हो। यहाँ पर वही चीज़ें हैं। अब इसको अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड में समझाया तो आपको शायद समझ में आ गई होगी कि कितना रिस्की हो सकता है, कितना घिनौना काम हो सकता है हैकिंग। अनएथिकल के पीछे मत जाना बॉस, आखिरी बार होगा जो अपने मम्मी पापा के हाथ से दाल खाओ, मम्मी के हाथ से खाना खाओगे उसके बाद फिर तिहाड़ जेल का फ्री का खाना पड़े। सुना है आजकल फ्री की चीज़ें बहुत चल रही है देश में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, चलो अब आते हैं फंडामेंटल। देखा वहाँ पे क्या बोल रहे थे कि इतना छोटा छोटा टॉपिक था सर, कहाँ खींचे हुए इतना सारा कंटेंट लेके आए जा रहे हो। नहीं, यही तो साइबर सिक्योरिटी, इसीलिए तो बोलते हैं ना बोर हो रहे हो चले जाओ क्लास छोड़ दो, ईएमआई पे कोर्स कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेसन आपका पैसा बच गया, 1,000-1,500-2,000 रुपये पे किए हो, 3,000-5,000 पे किए हो, बहुत रेयर केस में आप लोग कोर्स छोड़ सकते हो, क्योंकि आप अगर आपको लग रहा है आपकी बस की नहीं है कोर्स छोड़ सकते हो, इसलिए मजा आता है, इसलिए बोला गया था ईएमआई पे कोर्स करो। मैं जानबूझ के बोल देते हैं कि भाई अगर पसंद आए ना तो आप हमारे गले मत पड़ो और हम आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ विज़न है और वो विज़न आपके साथ अगर मैच ना हो तो कोई फायदा नहीं है। चलो स्टेप चेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर बात करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जानकारी एकत्रित करने को इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। चलो पता है, कुछ और बताओ, नहीं पूरी बात बताता हूँ आपको। पता है जब आपने एडमिशन किया ना तो हमें पता चल गया कि आपने एडमिशन किया, बोले पता चलेगा ही सर, ओके। आपको पता है आपका नाम, मुझे पता है, ठीक है, नंबर भी पता है, ठीक है, ईमेल भी पता है, ओके ओके, डेट ऑफ बर्थ और पापा का नाम भी पता है, चलो ठीक, एड्रेस भी पता है, आपको पता है, इतना काफ़ी है आपके लिए आपको अटैक करने के लिए। हो सकता है यहाँ पे 31-33 किलो अटैक ना हो, 2 होंगे 5 होंगे, काफ़ी है मेरे लिए, उसी को ब्लैकमेल करके उसमें निपटा सकता हूँ नंबर चेंज करके। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब बोलना चाह रहे हो, इसका ये मतलब बोलना चाह रहे हैं, पर रशियन इन्फॉर्मेशन उतना ही खतरनाक है जितना आपका ATM और ATM का पिन। समझना नहीं मेरी बात, इस चीज़ को लेकर के चलना है। इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी आ सकता है, आपका नाम, नंबर, ईमेल, हो सकता है पासवर्ड भी आ जाए, तो इस चीज़ को लेकर चलना। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से किसी वेबसाइट को इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्टिंग करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बस और क्या करना है, हैक करना है उसे। नहीं नहीं हैक नहीं करना बेचारे को, सिक्योरिटी देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेटवर्किंग क्या होता है बॉस, बोर नहीं करता हूँ, लिटरली सीधा बात बताता हूँ। देखो एक सिस्टम को हैक करने के लिए ना नेटवर्किंग को जानना जरूरी है, नेट काम कैसे कर रहा है यार। आपको पता भी है कि ड्रॉप ने 4-5 लोगों का स्कैम किया हुआ है पैसा, उन्होंने पे किया और हमने उनको ब्लॉक कर दिया। बोलो गारंटी सर, भरोसा ही नहीं होता। यहाँ पे 30 लोग बैठे हुए सर, यहाँ पे 30 लोग बैठे हुए सर, हमारा तो नहीं हुआ, हम क्यों ट्रस्ट करें, बात समझो। कोई अननोन को, अरे भाई तू पागल वागल है, पता है अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्लास लेते हैं बाद में बेकार कर देंगे, मतलब पागल है क्या रहे? देखते क्लास में ग्रुप में 300 लोग पड़े हुए, अगर एक डीसीए से 6,000 प्राम इतने लोग देख रहे, एक भी तो ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब आप समझदार हो, बुद्धू हो, जो हो आपके ऊपर डिपेंड है, आप तो इतना एनालाइज कर सकते हो। आप क्या करोगे, ग्रुप में कॉल करोगे, बहुत लोगों मैंने देखा एडमिशन होती है ना ग्रुप में कॉल करते स्टूडेंट, पकड़ाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है सर, अगर पकड़ा जाओगे ब्लॉक हो जाओगे स्टूडेंट, क्योंकि आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, हो सकता है पुलिस के लोग या आर्मी के लोग, एनएसजी कमांडर तक हैं इस ग्रुप में, या बच्चे नहीं बैठे हुए क्लास यहाँ पे स्कूल कॉलेज के, इसी जानकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो लोग फंस जाएंगे, मैं भी फंसूंगा, आप भी फंसोगे, अपना आइडेंटिटी छुपाए तो बताए तो लेके चलना। बहरहाल तो सोचो आप क्या गारंटी दोगे कि भाई मैं तो नहीं मानता, क्योंकि ऐसा हो ही गया नहीं, सेम टू सेम चीज़ें, यानी कि आपने अपना विवेक का इस्तेमाल किया। वन सेकेंड याद करो, अगर ये विवेक तो अगर पहले ना लगाए होते एडमिशन का टाइम करते तो हो सकता था आपको कुछ और बोल दिया जाता, कुछ होता हैकर्स पेन ड्राइव नहीं मिलता, अरे हैकर्स पेन ड्राइव मिलेगा, बाद में देखा ब्लॉक कर दिया पेमेंट, हो ही सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नहीं आप कुछ कर पाते, क्योंकि आपको साइबर सिक्योरिटी का सी भी नहीं पता, किसको कंप्लेन करें, पुलिस को बेचारा, मर्डर किडनैपिंग फरौते का तो कुछ हो नहीं था यहाँ पे बंगाल में, तो और गंदा हरकत हालत है, तो आप क्या ही कर लोगे, तो ये तो समझ में आ रही है, तो क्या करेंगे सर इस सिचुएशन पे। देखो बॉस अपना सिक्योरिटी अपने हाथों में, अगर आपका पर्स चोरी हो जाता है एक पल के लिए पुलिस कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आपका पर्स गिर जाता है बोलोगे अरे पर्स गायब हो गया मेरा, तो हुआ है तो हुआ है, अपनी गलती किया। वैसे सिक्योरिटी हमेशा खुल कर नहीं रहेगा, गेट खुला रखो, बोला अरे चोरी होगी, हाँ तो चोर नहीं आएगा क्या, जिसको मन नहीं करेगा वो भी कुछ ना कुछ उठा करके चल जाएगा, इस चीज़ को लेकर चलना। गलती आपकी है तो भुगतान भी आप ही करोगे, सिक्योरिटी लाइन में हो
क्लियर शब्दों में आपको बता रहा हूँ, तो नेटवर्किंग को समझ लो, नेट हैकिंग को समझ जाओगे। नेट हैकिंग का मतलब हो गया नेटवर्क हैकिंग, नेटवर्क में जो भी कॉम्प्रोमाइजेशन करनी यार, ये समझोगे, जानोगे, समझोगे कि कैसे वर्क करा, क्या हो रहा है, सर ये आईपी कैसे घुसा, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होती है, एनएसजी, एफटीपी, यूडीपी, टीसीपी, एसएमटीपी क्या होता है, मेटा एक्सप्लोइटेशन टेबल क्या होती है, सर पता है सर मुझे, मैंने सुना है कि सर आपको ब्रॉडबैंड हैकिंग आता है, हाँ आता है, करके दिखाओ, नेटवर्किंग आना चाहिए, सर मैंने सुना एंड्रॉइड हैकिंग भी होता है, हाँ आता है, करके दिखाओ, अच्छा सर मैंने सुना है सर, पता है हैकर आते हैं ना सर, क्लिक मारते हैं सर दूसरा कंप्यूटर से, अपने कंप्यूटर से हैक कर लेंगे, अच्छा कभी सुना भी है आपने, हाँ सर सुना है, देखा भी है सुन इंटरनेट पे, लेकिन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, नेटवर्किंग सीख लो सब कर लो, आप मुझे हैकिंग सिखा दोगे इतना ज़्यादा कुछ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते बॉस, अच्छा एक बात बताओ, इतना इतना ही झंझट कर क्यों हो रहा है, मतलब स्कैनिंग किया, जानकारी निकाला, नेटवर्किंग किया, समझा, कर क्यों रहा है, अरे एक्सेस लेने के लिए ना बॉस, तो एंड ऑफ द टाइम एक्सेस एक्सेस को एक्सप्लोइटेशन कहते हैं, स्टेप चेंज। अब थोड़ा बच्चे थोड़ा देखो, क्योंकि अब जवानी हो रही है, धीरे धीरे करके आपकी एज बढ़ रही है, थोड़ा आप मेच्योर हो रहे हो, आपको समझदारी आ चुका है कि भाई छोटा भीम क्या बोलते हो उसको, भूल गया मैं, छोड़ो हटाओ, शक्तिमान ही गंगाधरी शक्तिमान है, अब समझ में आ रही है आपको, ठीक है, तो उसके बाद समझ में आया धीरे करके स्टेप चेंज हुआ, अब क्या आ रहा है स्कैनिंग, थोड़ा स्टेप चेंज करते हैं, पहले नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन था, स्कैनिंग आ गया, स्कैनिंग क्या होता है, वही वही और क्या बोलेंगे, वही ज्ञान रो निकालते रहो, ढूंढते रहो कि वेबसाइट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, स्कैन करो, आईपी ढूंढो, प्रोटोकॉल ढूंढो, क्या प्रोटोकॉल चल रही है, कौन सा प्रोटोकॉल, बस यही और कोई काम धंधा है क्या हम लोग नहीं, उसके बाद क्या होगा वल्नरेबिलिटी यानी कमियाँ, पता है बहुत बहुत आप पावरफुल दिखते हो हमको, मैं एक बार सोच रहा था कि एक मैंने है स्टूडेंट बहुत पावरफुल दिखते थे, मैंने फाइटिंग करने का सोचा, लेकिन फिर हमें मतलब वो पीट दी है, फिलहाल में मैंने क्या किया पता है, मैं पता मुझे पता चला उनके पीठ में एक जगह चोट लगा था, वहाँ पर पंच मारा वो हार गया, जीत गया मैं, खैर ये विजनरी था, रियलिटी ये है कि अगर कमजोरी में अटैक करोगे बॉस तो फंसोगे ही, वही होता है कमजोरी, समझ में आ रही मेरी बात, समझना पड़ेगा आपको, यही है कमजोरी, और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा के सिस्टम के सर्वर के एंड्रॉइड के जरिए को हैक की जाती है, क्या बोलते हैं इसको, वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, लूपहोल्स बोलते हैं, कमियाँ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लोइटेशन क्या होता है सर, बता रहे हैं, रुको बात सुनो, बहुत पेशेंस नहीं खो देते हो आप लोग, हैकर्स को अलाउ कर देता है भाई, तू जो करना है कर, हमें परेशान मत कर, हमें परेशान मत कर मतलब सर्वर अपना हाथ ऊपर कर देता है सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी वाले बोलते भाई हमें परेशान नहीं करो जो करना है करो, मतलब सर मतलब ये एक्सप्लोइटेशन का मतलब वो किसी भी सिस्टम पे हैकर या अटैकर अनऑथराइज्ड वे पे एक्सेस ले पाता है, एक मिनट सुनो, हैकिंग क्या होता है, अनऑथराइज या हैकर क्या होता है, अनऑथराइज्ड वे पे किसी सिस्टम पे एक्सेस लेना ही हैकिंग कहलाता है, हैकर्स वही करते हैं, अनऑथराइज्ड वे पे एक्सेस लेना, ऑथराइज्ड मतलब क्या हुआ, अरे आप घुस कैसे गए, अरे 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 एक मिनट प्रतीक आप क्लास में कैसे आ गए, अच्छा सॉरी लिंक गया है ना, इसका मतलब लिंक गया तो ही आ पाए, वरना आप नहीं आ पाते, लेकिन अगर घुस जाते तो अनऑथराइज्ड वे पे एक्सेस, ओ माय गॉड गूगल पे आपने एक्सप्लोइट कर दिया बॉस, असल में यही चीज़ें हैं, इतना स्मूथली इतना इनकरेजमेंट होकर इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको जोश है, बोलते ना कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील नहीं कर पा रहे तो टू बी ऑनेस्ट आपको 6,000 रुपये ये भी डूब जाएगा, सच बता रहा हूँ, अगर तो फील कर पा रहे हो कि सच में मैं हैकर बनूंगा, टोपी पहनने के बिना भी मैं हैकर रहूंगा, बिना डीपी लगाए भी मैं हैकर बन सकता हूँ, वो सिस्टम वो सर्वर वो एंड्रॉइड फोन वो कंप्यूटर वो मोबाइल वो लैपटॉप वो डेस्कटॉप वो सर्वर वो वेबसाइट कुछ भी जो मैं देख रहा हूँ सबको मैं हैक कर सकता हूँ, अगर मुझे उसके लिए कोई वीडियो को ट्यूटोरियल हाउ टू हैक फेसबुक अकाउंट अगर ऐसा सर्च करने की जरूरत ना पड़े उसके बाद भी आप अपने स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी के दिन के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं हम और आप, बस इट्स इनफ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा जानकारी लेते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है या पुलिस बनना है, पुलिस आर्मी बनना है या डॉक्टर बनना है, आर्मी डॉक्टर के पास भेजेगा डॉक्टर आर्मी के पास भेजेगा, समझ में आ रही मेरी बात, नहीं समझे फिर से स्मूथली बताते हैं। ऑफेंस एंड डिफेंस, ऑफेंस का मतलब हो गया ऑफेंस करना, अटैक करना, आप क्या सीखने आए हो सर, साइबर सिक्योरिटी, अच्छा साइबर सिक्योरिटी सीखने आए, सिक्योरिटीज नहीं सुन रहे हो, एंड्रॉइड हैकिंग कहाँ सिक्योरिटी यहाँ पे आ रहा है बॉस, हाँ ठीक है बोलते हैं ना वो खाना में थोड़ा चटपटा थोड़ा नमकीन होना चाहिए, वो चटपटा नमकीन है, वो टू बी ऑनेस्ट आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो उसका ही बोल वाला होना चाहिए, इसके दो डोमेन है, पहला आपका ऑफेंसिव दूसरा था डिफेंसिव, एक भाई बताओ क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतना एफर्ट्स मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फील उल कर पा रहे हो कि नहीं, रिस्पॉन्स करिए हमें माइक ऑन करके, समझ में आ रही है क्लासेस, मज़ा आ रहा है सर, बाकी लोग और एक बार देखते हैं, हां जी सर बाकी लोग समझ में आ रही है, हेलो सर ये वाला पिछले वाले ज्यादा अच्छा है, क्या क्या इसके पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे उससे ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, अरे धोखा हो गया ना आप लोगों के साथ, वही ना सर जी सर स्कैम, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, गुड आफ्टरनून, जय हिंद,
ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप बोलते हैं ना एफर्ट्स दोगे तो मिलेगा, बोलते हैं ना हर दुनिया में हर चीज़ों के लिए पे करना पड़ता है। आपने जो कोर्स के लिए पे किया वो ऑर्गेनाइजेशन को पे किया, कंटेंट जैसा तैसा पढ़ा देंगे, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे जितना एफर्ट्स पे करो उसके अकॉर्डिंग में हम पे करेंगे, आप जैसे रहोगे वैसा हम करेंगे। तो ठीक है, अभी माइक ऑफ कर लीजिए, थोड़ा जोश में रहा करो, हमको लगता है कि वो सोच आना गया, बहुत खतरनाक लोग हैं यहाँ पे। सर हाँ, मुझे अभी तक पेन ड्राइव नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? अप्लाई नहीं किया आपने जिसकी और से एडमिशन? नहीं नहीं, अप्लाई तो कर दिया था मैंने सर। नहीं तो फिर शनिवार को भी मैंने सर से बात किया था, वो क्या नाम है, अजय सर से बात किया होगा आपने? हाँ अजय सर से। ठीक है, कोई तो सर ने बोला था कि सोमवार को करवा देता हूँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, गाइड कर दूंगा। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी की, कोई प्रॉब्लम? सर कुछ एप्लीकेशन बनना रह जाएगा पेन ड्राइव पे? पेन ड्राइव पे ना बहुत सॉफ्टवेयर, बहुत कंटेंट मिल जाता है, तो इससे एडवांटेज क्या मिलता है कि वो लोग प्रैक्टिकल कर पाते हैं। खैर अभी वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी प्लीज़ अपना सिलेबस पे ध्यान दीजिए। आओ फिर से आते हैं इसको फील करने पर, एक मिनट रुकिएगा पानी पी लो। मैं सो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब होता है ऑफेंस करना, अटैक मारा अटैक मारा अटैक मारा, अरे बचा भी तो लो। ओके ठीक है सर, वो कोई बचा लेगा? कौन बचाएगा? डिफेंस वाले बचाएंगे ना। देखो समझो, आप अटैक करे जा रहे हो, कर क्यों रहे हो? अच्छा मैं सर देखो बताता हूँ, हम अटैक इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम रास्ता ढूंढ पाए अंदर घुसने का। उसके बाद सर घुसूंगा नहीं, चिंता मत करो, बस बता दूंगा ओनर को भाई ऐसा करके रास्ता है और कर लेंगे, बस ये हुआ आपका काम। आप एसक्यूएल ढूंढोगे, हैक करोगे, CSRF ढूंढोगे, हैक करोगे, XSRF ढूंढोगे, हैक करोगे, सर्वर साइड रिक्वेस्ट सर्वर क्रॉस साइड रिक्वेस्ट सर्वर SQL एक्सेस, जो भी बग है, जो भी वल्नरेबिलिटी है, जो भी एक्सप्लोइटेशन है, सब ट्राई मारोगे, जो लग गया ओनर को बताओ, ये देखो छेद, दो मेरा पैसा। आया समझ में? ओके, लेकिन अगर नहीं मिला तो, अगर बग नहीं मिला तो, वल्नरेबिलिटी नहीं मिला तो उसी को ढूंढना तो है आपको, यही आपका काम है। दुनिया में गूगल पे मिल रहा था, आप छोड़ ही दो बाकी वेबसाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आता डिफेंसिव में, बोलो ये क्या बोला है, ये क्या होता है, बचाते हैं और कहाँ घुसे जा रहे हो, शर्म नहीं आता? ये वही लोग हैं, ये लोग अपना ताम झाम लेकर बैठे रहते हैं, बोलते शर्म नहीं आता, हर आता जाता चीज़ लोग को बोलते शर्म नहीं आता। अगर वो मतलब कुछ खती नहीं करता है तो बोलता नहीं नहीं आता, तो वापस चला जाएगा। अगर बोलता आता है तो फिर वो उसको रोकेगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपने IT इंजीनियर सुना होगा ना, वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर जो भी होता है, IT इंजीनियर होता है, एक्सपर्ट होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, ये बस रोकते रहते हैं कंटेंट को। इसको डिफेंसिव सिक्योरिटी कहता है, जिसमें आपको स्प्लंग जैसी सॉफ्टवेयर था, जैसे ऑफेंसिव में क्या है, WPS के स्पार्टा स्की फीसर बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, डिफेंसिव में स्प्लंग जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं, वो मॉनिटरिंग रखता है नेटवर्क में क्या आ रहा जा रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें होती है। तो समझाएंगे, टाइम लो, मतलब अभी समझ लो दो तरीका है, एक ऑफेंसिव होता है, ऑफेंस करते हैं। सर हम लोग क्या सीख रहे थे, देखो समझो, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर तो ऑफेंसिव सीख रहे हैं क्योंकि ऑफेंस का थोड़ा ज़्यादा ये है, लेकिन डिफेंसिव सीख, जैसे पानी पॉट हुआ, फायरवॉल हुआ, IDS हुआ, IPS हुआ, ये सुने हो ना, एंटीवायरस ये सब सुनने में लगाते हो ना, वही चीज़ें डिफेंसिव पे। ऑफेंसिव पे क्या है, ऑफेंस की चीज़ें हुई, जितने भी अटैक्स हुआ हमारे कोर्स में 80% ऑफेंसिव ही है, 80 क्यों बोलूँ, 85% बोलूँगा ऑफेंसिव ही है, बाकी 15% में निपटा देते हैं हम लोग उधर। ठीक है, सो इट्स फाइनली अपनी नेटवर्किंग की जर्नी पे आ चुके हैं, और मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में होंगे, कितना कुछ सिखा दिए बता दिए कि बहुत भारी लग रहा होगा आपको दिमाग। इस भारी को हल्का करने के लिए ना मैं आपको बोनस देता हूँ, ठीक है, ये आपको वैसे जॉब पे तो नहीं हो आप, बट फिर भी हमारे प्रियजन के लिए हमारे ओर से छोटा सा उपहार। किसके लिए उपहार है? जो न्यू स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट को बहुत उपहार मिला है, बहुत मज़े लूटे हो हम न्यू लोगों को, मैं अपनी ओर से ये चीज़ें देता हूँ। ये देखो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेंगे, ये क्या है सर, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग DCSE में फ्रंट एंड से बैक एंड पढ़ोगे, ये बोनस कंटेंट होता है जो मैं बनाया था एक समय, अब शेयर कर देता हूँ SPCC स्टूडेंट्स को, भूलना नहीं है, गलती ना हो, सब का सब कंटेंट कंप्लीट कर देना। आप बग बाउंडिंग करो ना करो, दोनों को दोनों आखिर रखोगे तो फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे, फर्क ये पड़ रहा है कितना मेहनत कर रहे हो, एक ना एक दिन तो हाथ लगेगा, ये बहुत कुछ हाथ लगेगा, तो समझ करके चलनी है। ये सारा का सारा कंटेंट दिया आपको, देख लेना समझ लेना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट कंटेंट की ओर दौड़ते हुए,
अब आते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग के ऊपर। बताए थे कि नेटवर्क को कैसे यूज़ किया जाता है। तो नेटवर्किंग क्या है, जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रही हो तो नेटवर्क कहते हैं। फिर से बोलता हूँ, जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रही हो तो नेटवर्क कहते हैं। वन सेकेंड, जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रही हो तो नेटवर्क कहते हैं। तीन बार क्यों बोला, चलो चौथा बार समझाता हूँ। जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रही हो नेटवर्क कहते हैं। वन सेकेंड, अगर आप ये समझ जाओ कि कर कैसे रहे हैं कम्युनिकेट, कैसे कर रहे हैं ये लोग बात, अगर इतना समझ में आ जाए ना आपको, समझ लो आपके काम हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कोपट करिए तो समझ लो आपके काम बन जाएगी। दो सिस्टम बातचीत कर रही है और ठीक ठाक, हाँ सब ठीक ठाक, और वो डेटा वेटा समझा रहा जा रहा है, हाँ ठीक है, इतना में नेटवर्क से उड़ा लेते हो, काम बन जाएगा। मतलब काम बन जाएगा, जैसे नेटवर्किंग में लूप होल्स है, इसको मैन द मिडल बोलते हैं, स्निफिंग स्पूफिंग बोलते हैं। समय आने को समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नेटवर्क को सिस्टम्स को आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, इतने सिस्टम में उसको आइडेंटिफिकेशन किया जाए बताया जाएगा। पिंग यानी कि पैकेट, इंटरनेट ग्रुप बताई जाएगी, इंटरनेट क्या होती है दो सिस्टम को कनेक्ट करने वाला, और ये सब चीज़ बताई जाए, चिंता नहीं है। उसके बाद जाएगा आईपी क्या होती है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, NAT नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होती है वो बताई जाएगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है बताई जाएगी, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाएगा। देखो बहुत मेहनत लगा है पता है PDF बनाने में, टू बी ऑनेस्ट, मतलब आप सोच नहीं सकते मुझे कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, जबकि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था। फिर पता है क्यों किया, क्योंकि जब फुल स्क्रीन पे मैं आपको पढ़ा होना था, आपको ध्यान इधर देना पड़ के पूरा फील कर पाओ ये ग्राफिक्स को, इसलिए समझ करके चलना है। इंट्रोडक्शन समझेंगे नेटवर्किंग का, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, तो बहुत बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है, आपको ना सोच नहीं सकता ना ही मैं बता सकता हूँ कि क्या होगा। फिर सिस्टम हैकिंग, फिर नेटवर्क ISO 35, नेटवर्क टोपोलॉजीज, वेब फंडामेंटल, वेब क्या नाम है ओफो भूल जाता हूँ कभी कभार, डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब, सर ऑफेंसिव सिखा दो, थोड़ा डिफेंसिव सिखा दो, प्रोटोकॉल, हनी पॉट, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, नेटवर्किंग, कितना बड़ा चैप्टर देख रहा हूँ, 3 तो खाली गूगल डॉक, स्कैनिंग, स्पॉट आवर्स की फीचर, इतने सारे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स, वेबसाइट हैकिंग के ऊपर इतना कंटेंट, सिस्टम हैकिंग के ऊपर इतना कंटेंट, सर्वर हैकिंग के ऊपर इतना कंटेंट, एंड्रॉइड हैकिंग के ऊपर इतना कंटेंट, एंड्रॉइड की लॉगर्स के ऊपर इतना कंटेंट, वायरलेस में इतनी सारी चीज़ें, लाइव प्रैक्टिकल वाईफाई हैकिंग, डिजिटल एंड फॉरेंसिक, POC के बारे में, वेब RTC, SSRF, CSRF, प्राइस टेम्परिंग, डेटा टेम्परिंग, टाइप्स ऑफ एक्सेस, IDOR, FPD, फुल पार्ट डिस्क्लोजर कहते हैं, एक्सप्लोइटेशन के बारे में, OS इंजेक्शन के बारे में, HTTP को HTTPS कैसे बनाया जाए, मतलब SSL सर्टिफिकेट कैसे लगाया जाए जिसे हम लोग सिक्योर सर्किट लेआउट कहते हैं, फायरवॉल के बारे में, डेटा ब्रिज के बारे में, बफ सूट के बारे में, स्पाटा के बारे में, VPN के बारे में, प्रॉक्सी के बारे में, एनोनिमस के बारे में, टॉर के बारे में, वेब RTC के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के, ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग, यूजर एजेंट के बारे में, लोकेशन ट्रैकिंग के बारे में। बस करो सर, हो गया 4 महीना? हाँ हो गया 4 महीने, लेकिन इसके बीच में जो लाइव क्लासेस करते उसको दुनिया भर का बोनस सुने दुनियादारी मिलती रहेगी। इसके बाद भी पेन ड्राइव पे, इसके बाद भी कंटेंट आपका चैनल पे, चैनल पे मस्ट पढ़ना है, सबको पढ़ना, मैं सबको लिंक दे रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है, पढ़ना शुरू करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं कोर्स ही को करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्स करो, नो डाउट, लेकिन पढ़ना शुरू करो। देखो मैं रिसेंटली मनाली गया था घूमने के लिए, बहुत लोग को पता होगा, तो उसका फोटो वोटो मैंने वीडियो भी छोड़ा था, मनाली गया था, मनाली किसने देखा, मैं मनाली गया था, देखे हैं लोग। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो 30 रुपया में बताइए सर, 30 रुपया ऐसे मत करिए, आप लोग बजट घटा रहे हो, एक तो वो मना कर रहे थे, ऊपर से आप लोग ऐसा कर रहे हो। देख लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं एडिटिंग भी करता हूँ, मैं क्रिएटर हूँ असल में, मैं जब ये सब नहीं था मेरे पास साइबर सिक्योरिटी, तो मैं क्रिएटर था, मुझे क्रिएट करना पसंद है, मुझे वीडियो एडिटिंग ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका साइबर सिक्योरिटी पसंद है, फिर बिजनेस पसंद है, शेयर मार्केट पसंद है, मतलब बोले ना कि जब बोला कुछ दिन वीडियो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अरे क्या बात कर रहा हूँ, मैं इतना मैं करीब करीब समझ लो मेरी 20 दिन की प्रिपरेशन ना 20 दिन पहले ही होती है, मैं 20 दिन के बाद क्या करूँगा वो मैं आज सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है, मैं ऐसा चलता हूँ। देखो अगर नहीं भी होना तो इतने सारे रिकॉर्डिंग्स तो ऐसे पड़े हुए हैं जो मैं टाइम टू टाइम पब्लिश करूँगा, दिख रहे हो, ये देखो माय स्किल जैसे कुछ है, कुछ है, कुछ खतरनाक कॉन्टेंट है, देखो कॉन्टेंट पढ़ते जाओ मतलब दिल खुश हो जाएगा, दिख रहा है क्या क्या कॉन्टेंट अभी बचा हुआ, एंड्रॉइड हैकिंग के ऊपर है, एंड्रॉइड अच्छा एडवांस हैकिंग के ऊपर है, सॉफ्टवेयर क्रैकिंग, बहुत कुछ अभी जो पढ़ा हुआ आप लोगों को पढ़ाना है, तो चिंता वाली बात नहीं, बहुत कॉन्टेंट है अपने पास, बस पढ़ते जाओ। बोल रहे हैं कि ये जो ग्रुप में आप लिंक ये भेज रहे हैं सर, मीटिंग, गूगल मीटिंग पे, तो ये वाला वीडियो का सर ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, क्योंकि मीटिंग के बाद तो फिर वो लिंक पर्सनली आप सभी को चली जाएगी,
हाँ प्रवेश दीजिएगा ना वो वीडियो पे। अच्छा सर एक बात बताइए, यूट्यूब पे वीडियो आपका है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें बेसिकली मतलब जो हम लोग को आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड उस पे अपलोड है? बहुत हद तक प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत हद तक थ्योरेटिकल है। आप जितना जल्दी जितना जल्दी आप थ्योरेटिकल कंप्लीट करोगे मैं उतना जल्दी आप लोग को प्रैक्टिकल बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा, दिखा पाऊंगा, और क्या चाहिए, बस इतना ही काफी है सर। तो खुद पढ़िए, देखो बोलते रहा हूँ जितना ज़्यादा जगह से करोगे ना उतना ज़्यादा। देखो अमीर बनने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगर 1,000 रुपये दे दो खत्म हो जाएगा अमीर बन जाओगे? नहीं। 1,00,000 दे दो तो नहीं, 1 करोड़ दे दे तो नहीं, समझ लो मेरी बात। मतलब पैसा कितना भी दे दो खत्म नहीं। वैसे ही नॉलेज जहाँ जहाँ से मिले, अगर आपको लगता है 6,000 का हैकर बन जाओगे तो आप सबसे बड़े गलत फहमी पे हो। 6,000 में थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा बहुत सीख लिए, 4 महीने ज़्यादा हिलते डुलते थोड़ा बहुत सिखा दिए तो इतने में कोर्स खत्म हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी है, इसलिए जहाँ जहाँ से मिले वहाँ वहाँ से पढ़ो, समझो, जानो। बॉस मैं आपको नेक्स्ट लेवल की गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँगा, मतलब सही तरीके मैं आपको सब कुछ बता पाऊँगा, आई समझ में। और किन्हीं की कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ताकि मैं उनको कुछ हेल्प कर पाऊँ, गाइड कर पाऊँ। तो मुझे लगता है अच्छी क्लासेस बहुत दमदार लगा, सबको पसंद आया क्लासेस, ऐसे ही पढ़ाया रोज को, ठीक लगा सर। चलो जी ठीक है, तो ऐसे स्टडी करते रहिए, कुछ दिक्कत कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा, ताकि मैं आपको पूरी तरह हेल्प कोऑपरेट कर पाऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं सभी से मिलता हूँ, तब तक लिए जय हिंद। और आप लोग मनाली बताइए सर, कल कौन क्या बोल रहे हैं कि जो जो क्लास आप कराते हैं उसका सर वो लिंक भेज दिया कीजिएगा ना रिकॉर्डेड का। ठीक, बिल्कुल भेज दूंगा मैं, जैसे आज का क्लास हुआ तो उसका भेज दीजिएगा ताकि रिवीजन भी हो सके। ठीक, मैं दे दूंगा। और किसी पर का कोई दिक्कत? सर हमारा बैच एडवांस वाला हो गया है, वो बोलना मुश्किल है बहुत, मुझे चेक करना पड़ेगा कि आप एडवांस क्यों बेसिक क्यों, वो आप लोग को टाइमिंग मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से रेस्ट करिए, मजे करिए, टाइमिंग आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। कब तक मिलेगा टाइमिंग? आज रात तक, आज रात तक। ओके सर, क्लास खत्म हो गया क्या? बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो आप लोग आराम से रेस्ट करिए, नेक्स्ट क्लास भी मिले, तब तक लिए जय हिंद। काम के लोग कोई नहीं, काम के लोग इन द सेंस मतलब जो मेरे मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो, ऐसे कोई लोग नहीं, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है जैसा आप इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, आए दिन कॉन्टेंट आता रहता है और मैं भी उधर बैठा रहता हूँ, ठीक है।